नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जिले के सजेती थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक की बताशा खाने से मौत हो गई। बताया जाता है कि खाते समय बताशा उसके गले में फंस गया था, जिससे खांसते खांसते युवक बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि युवक की मौत गोलगप्पा सांस नली के चोक लेने से या फिर हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। सजेती थाना क्षेत्र के हरबसपुर निवासी नरेश कुमार सच्चान 45 किसानी का काम करते था, साथ ही खाली समय पर ट्रक भी चलाते थे। परिवार में पत्नी सीमा, दो बेटे और एक बेटी के साथ रहते था। बुधवार दोपहर को वे किसी काम से निकले थे। ग्रामीण दीपेश के मुताबिक नरेश शाखाहारी के पास चौराहे पर रुककर पानी के बताशे खाने लगे। इस दौरान खाते खाते ही जैसे ही एक बताशा मुंह में रखा कि वे उनके गले में फंस गया। इसके बाद उन्हें खांसी आने लगी, खांसते खांसते बेदम हो गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बेहोश होने के बाद उस पर पानी के छींटे मारे गए, जिसके बाद उन्हें होश तो आया लेकिन सांस नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद उन्हें मौके पर घाटमपुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घाटमपुर CHC के चिकित्सक डॉक्टर अजीत सच्चान का कहना है, परिवार के लोग बता रहे हैं कि पानी का बताशा खाने से नरेश की मौत हुई है। आशंका है कि बताशा गले में फंस जाने से सांस नली चोक हो गई हो। एक संभावना यह भी है कि हार्ट अटैक से मौत हुई हो। असली कारण पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट होगा।